चाबुआ। चाबुआ में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ पे जा रहा हूँ। फादर का भी ट्रीटमेंट है, मुझे भी थोड़ा अपना चेकअप करना है। चलो चलो। तो दोस्तों, चाबुआ का मतलब होता है चाह, एंड बुआ मीन्स टी एंड प्लांटेशन। चाबुआ में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा टी गार्डन्स है, तो वहीं पे टी गार्डन्स का ही एक हॉस्पिटल है, टाटा टी का हॉस्पिटल, जहां हम लोग जा रहे हैं। तो ये डिगबोई से 56 किलोमीटर्स की दूरी पर है और यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएँ मिल जाएंगी। यहाँ पर हर एक ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, लाइक ऑर्थोपेडिक्स का आपको मिल जाएगा, ईएनटी मिल जाएगा, आपको गायनोकोलॉजिस्ट का मिल जाएगा, फिर आपके पास मेडिसिन का भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे और भी छोटी मोटी सुविधाएं, जो भी आपको चाहिए, टेस्ट से लेकर आपको ऑलमोस्ट सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये हॉस्पिटल की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ का नर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एरिया। आप यहाँ पर आइए, यहाँ के नर्सिंग फैसिलिटीज से आप डेफिनेटली बहुत 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 इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ का कैंटीन, जहाँ पे खाना, तो मैं यहाँ पे खाना एकदम खाना पसंद नहीं करूँगा, हाइजीनिक उतना मुझे लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एटीएम सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे एक एसबीआई का एटीएम है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि 24/7 पैसा रहता है। यहाँ तक कि चाबुआ टाउन से लोग यहाँ आते हैं पैसा निकालने के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 7 बजे खुल जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 200 रुपये। फर्स्ट हाफ़ के लिए 200 रुपये, अगर आप सेकेंड हाफ़ में आते हो, दैट इज़ आफ्टर 1 PM, तब आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा 250 रुपीज़। यहाँ पर बस मुझे एक चीज़ उतना अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पर ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, UPI पेमेंट भी नहीं है, कार्ड पेमेंट भी नहीं है, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। और अगर आपको बाहर कहीं खाने जाना है, अगर लंच और ब्रेकफास्ट के लिए अगर आपको कहीं जाना है, तो थोड़ा आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास में इतना अच्छा होटल नहीं है। तो यू हैव टू गो टू चाबुआ टाउन तक आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा खासा होटल मिल जाएगा। चाबुआ स्टेशन और चाबुआ जो टाउन है, वो हॉस्पिटल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, तो वहाँ आपको अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना लंच या ब्रेकफास्ट आप बढ़िया सा ले सकते हो। वेटिंग फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे भी थोड़ी खटकी, वो है यहाँ का टॉयलेट, जो कि टॉयलेट और वॉशरूम जो है वो उतना साफ़ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा टाटा टी के हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को। और हाँ, बाहर में एक बहुत ही अच्छा लॉन है और ये लॉन काफ़ी नीट, क्लीन एंड टाइडी है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। आप जो भी आपको जो कंसल्टेशन और रिपोर्टिंग के बीच का जो भी टाइम है, उस टाइम में आप यहाँ पे, जैसे कि ये लोग बैठे हुए हैं, आप इस तरह से आप आराम से बैठ सकते हो और 2-3 घंटे आपके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। तो ये है टाटा टी का सिंबल और इसके साथ में ये 5 लंबे लंबे पेड़, बहुत ही अच्छा एक फील देता है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बैक साइड में, ये एक फीमेल वार्ड है, आई थिंक, या इट्स अ फीमेल वार्ड। तो अगर ओवरऑल देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, नर्सिंग अच्छा है, क्लीनलीनेस भी ठीक ठाक है, अच्छा है। और 2-3 जगह में मुझे बस, जहाँ मुझे लगा कि कंसर्न है, एक है कि इनका जो टॉयलेट वाला पोर्शन है वो मुझे एकदम से क्लीन नहीं लगा, कैंटीन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट थिंग इज़ या डिजिटल पेमेंट्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। जून 1994 को ये इनॉग्रेट किया गया था टाटा टी लिमिटेड के द्वारा, रेफरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसका नाम है। 2 बजने को है, अभी तक मेरा नंबर तो आया नहीं, होपफुली थोड़ा जल्दी आ जाए। पानी का बोतल है, इसे ही ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा आज सुबह से ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था, तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही होगा, तो ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया और मैं चला खाना खाने। बापरे, सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी मिला भात, बुरा दबा दिया, एकदम पेट एकदम टिपला हो गया। तो इसी के साथ 4:30 बजे मेरा रिपोर्ट आ गया है और मुझे मालूम चला है कि मेरा फैटी लिवर है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा नॉन वेज मत खाइयो और वेजिटेबल्स दबाओ। तो इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, जेब को थोड़ा ढीला करके और पॉकेट में ढेर सारा मेडिसिन ठूस कर अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। और आप सभी को छोड़े जाता हूँ वो फूड के साथ जो मुझे खाना बहुत पसंद था, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बेटा नॉन वेज से दूरी बनाओ। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी आज के दिन के लिए, और आशा करता हूँ कि आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद।